नमस्कार, मैं एमके सिंह। 17 घंटे, 3 दिन और करीब एक दर्जन वकीलों, यूं कहिए कि करीब 8 वकीलों जो देश के जाने माने वकील हैं, उनके आर्गुमेंट के बाद आज चुनावी बॉन्ड वैधानिक संवैधानिक है कि नहीं, इस पे बहस खत्म हुई। शाम के 4:10 पे ये बहस खत्म हुई और जजमेंट रिजर्व कर लिया सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। मैं लगातार आपको 3 दिन से दिखा रहा हूं, आज तीसरा दिन है। आज के बहस में वो लबोलुआब आपको मिलेगा जिसमें कि सरकार एक्चुअली कहना क्या चाहती थी, अपने को बचाना कैसे चाहती थी, और ये भी मिलेगा कि डीवाई चंद्रचूड़ की सदारत वाली जो बेंच है उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ और उनके बाकी साथी जजेस ने क्या क्या सवाल किए, सरकार किस तरह घिर गई थी उन सवालों से, और बचने का तरीका क्या निकाला जो बहुत ही भोंडा था। तो हम आपको ये पूरा विस्तार से बताएंगे और वो कुछ सवाल भी उठाएंगे, आपको भी बताएंगे कि मूल सवाल क्या है जिसमें ये पूरा आर्गुमेंट हुआ ही नहीं अभी तक। और अब आर्गुमेंट का कोई सवाल नहीं, संविधान पीठ है, जजमेंट रिजर्व कर लिया है। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया कि आप हमें पॉलिटिकल पार्टीज को कितना मिला है 30 सितंबर तक, इसका डाटा उपलब्ध कराइए। वो डाटा उपलब्ध हो जाएगा, उसके बाद फैसला आ जाएगा। अभी तारीख मुकर्रर नहीं हुई है लेकिन जजमेंट रिजर्व कर दिया गया है। अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं जिसमें सरकार घिरती गई। दरअसल हुआ ये कि कल के आर्गुमेंट के बाद सॉलिसिटर जनरल का आर्गुमेंट लगभग खत्म हो रहा था और अटॉर्नी जनरल आखिरी थे जो कि अपना आर्गुमेंट करते। सरकार की तरफ से दो ही लोग थे और दोनों सरकार के देश के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं। अटॉर्नी जनरल जो सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं, वेंकट रमणी साहब, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तो कल के आर्गुमेंट को एक्सटेंड करते हुए तुषार मेहता ने अपनी बात कही और आज अटॉर्नी जनरल जो कल का अपना बहस खत्म नहीं कर पाए थे, वो आज उन्होंने जब सुबह शुरू किया इनके तुषार मेहता के खत्म होने के बाद, और फिर उसके बाद वो लंच के बाद भी अपना आर्गुमेंट करते रहे। उसमें कुछ ऐसे सवाल थे जैसे कि पूछा गया उनसे, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि आपने कानून में संशोधन करके कंपनीज एक्ट में जो सीमा थी कि कोई भी ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट 3 साल से नहीं कर रही है और लगातार उसके प्रॉफिट में से सिर्फ 7.5% दे सकती है, जो पहले 5% था उसके पहले इनको बैन था कि ये लोग कोई भी चंदा नहीं देंगे, 1968 में इसे बैन कर दिया गया था, 1985 में 5% किया गया, 2013 में इसे 7.5% किया गया और मोदी सरकार आते आते वो खोल दिया गया। तो इस पे चीफ जस्टिस इंडिया का सवाल था, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का, कि साहब ये कैसे पॉसिबल है कि एक कंपनी जो घाटा लगातार कर रही है, एक पैसा भी उसका मुनाफा नहीं है, वो घाटे में जा रही, लेकिन आपको 100 करोड़ चंदा दे देती है, आखिर उसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद बताते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि साहब इसका मकसद तो ये है कि वो चाहती है ये करना कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी अच्छी है, इसलिए भी चंदा देती है कि साहब अगली गवर्नमेंट ऐसी आए जो हमारा प्रॉफिट सुरक्षित कर सके, प्रॉफिट। तो उसमें पूछा गया कि अगर प्रॉफिट मोटिव है, देश सेवा मोटिव नहीं, अल्ट्रुइज्म वर्ड यूज किया चीफ जस्टिस ने, अल्ट्रुइस्टिक पर्पस नहीं है, तो प्रॉफिट के लिए अगर है, तो अगर प्रॉफिट नहीं होता तो चंदा वो कैसे दे? तो सरकार का जवाब बड़ा ही बेतुका था कि सब वो फ्यूचर में कौन सी पार्टी आएगी इसके लिए वो वोट देती है कि वो अपने मन की पार्टी दे, इसलिए चंदा देती है। वैसे उन्होंने, सरकार ने सजेस्ट किया कि साहब एक काम कर सकते हैं, इस क्लॉज को हटा दें और ये कहें
कि प्रॉफिट वाली ही कंपनियां देंगी, सिर्फ प्रॉफिट वाली ही कंपनियां देगी। तो इस पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, मान लीजिए एक कंपनी का एक रुपया प्रॉफिट होता है, तो आपके इस हटाने के सजेशन से ये होगा कि वो 100 करोड़ चंदा तब भी दे देगी, सिर्फ एक रुपया प्रॉफिट हो तो दे देगी। इस पे उनके पास कोई जवाब नहीं था। सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल इसमें गिर गए। जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि मान लीजिए, क्योंकि उन्होंने सलाह दिया था कि सिर्फ प्रॉफिट वाली कंपनियां ही दे, ये हम लोग कानून में संशोधन कर सकते हैं, सरकार कर देगी, सरकार की तरफ से उन्होंने ये राय दी। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, तो मान लीजिए अगर एक रुपया उसका प्रॉफिट होता है तो वो 100 करोड़ चंदा देने के लिए वैधानिक हो जाएगा, तो फिर पर्पस कहां वो हुआ। तो ये पहला ये था जिस पे सरकार सकते में आ गई। फिर अटॉर्नी जनरल ने एक अजीब सा दलील दिया जो आप लोगों को सुन के बहुत ही आपके हाथ के तोते उड़ जाएंगे कि सरकार की कितनी अहंकारी सोच है। अटॉर्नी जनरल, आपको याद होगा कि उनका जो सबमिशन फाइल हुआ था इसमें, इस केस में, उसमें 3 दिन पहले उन्होंने, जो मीडिया को भी लीक हो गया था और उन्होंने, जिसमें हमने भी आपको पूरा विस्तार से बताया था कि उनका कहना है कि साहब, सिटीजन को तो, वोटर को तो राइट ही नहीं है जानने का कि चंदा कौन किसको देता है, इसमें वो अप्लाई ही नहीं होता, वोटर्स को तो ये जानने का हक ही नहीं है। आज भी उन्होंने एक अजीब बात कही। उनका कहना था कि भाई, किसी की उत्सुकता, किसी को क्यूरियोसिटी होगी, उत्सुकता होगी जानने के कि किस पार्टी को। साहब, इसको जो चुनाव की कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो फंडदाताओं की वो है, गोपनीयता है, इसका मुकाबला थोड़ी किया जा सकता है। जरा गौर कीजिएगा सरकार का अहंकार का, कि सरकार हमारे उस राइट को, उस अधिकार को, जिसके तहत हम जाने कि हम जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं, उस पार्टी को चंदा कौन दे रहा है, इसको सरकार के वकील साहब कह रहे हैं कि साहब, ये तो क्यूरियोसिटी है आपकी, और क्यूरियोसिटी का मुकाबला आप उसका जो राइट है कॉन्फिडेंशियलिटी का, गोपनीयता का, वो किसको क्या पैसे देती है वो नहीं बताना चाहती है, क्योंकि बताएगी तो अगली जो पार्टी आएगी, गलती से अगर दूसरी पार्टी आ गई तो इसकी तो हालत खराब कर देगी, विक्टिमाइज करेगी। ये उनका तर्क था कि वो सिटीजन्स के राइट को, कि किस पॉलिटिकल को कौन सा चंदा मिला है, इसको कह रहे हैं, तो उत्सुकता हो सकती, कौतूहल हो सकता है, इसको किस तरह से हिकारत से हमारे उस फंडामेंटल राइट को देख रहे हैं, ये खास बात है। अटॉर्नी जनरल का ये सेंटेंस कि क्यूरियोसिटी कैनॉट बी इक्वेटेड विद, उन्होंने जो क्यूरियोसिटी कैनॉट बी इक्वेटेड विद कॉरपोरेट, जो कि एक अच्छी सरकार चाहता है, जिसके लिए फंड दे रहा है, लेकिन वो गुप्त अपना नाम रखना चाहता है, क्योंकि दूसरी पार्टी उसे, अगर वो आ गई सत्ता में, तो उसे रिटेलिएट कर, उसे विक्टिमाइज करेगी। इस बात को उन्होंने जनता का क्यूरियोसिटी माना। आप जरा हिकारत देखिए कि जनता, और कहा क्या गया कि साहब, जनता तो, वोटर तो कैंडिडेट चुनता है, कैंडिडेट चुनता है, कैंडिडेट के बारे में जैसे कि कहा गया, जब उनसे आर्गुमेंट था, जो प्रशांत भूषण ने, कपिल सिब्बल ने आर्गुमेंट किया, उसमें कहा था कि एडीआर केस में जो जजमेंट हुआ था, जिसके तहत जनता को बताया गया कि ये फंडामेंटल राइट में आता है वोटर के, कि वो जाने कि हमारा कोई कैंडिडेट जो है वो अपराधी तो नहीं है, तो आपराधिक पृष्ठभूमि उसकी देना बाध्यता कर दी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से। यही बात कही कपिल सिब्बल साहब ने और प्रशांत भूषण ने कि साहब, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि ये फंडामेंटल राइट है कि कैंडिडेट के बारे में जाने। तो उनका साहब, वो तो कैंडिडेट के बारे में कहा है ना, पार्टी के बारे में जानना, जरा सोचिए सरकार का कितना बोंडा अपील वो है, तर्क है कि सरकार ये कह रही है कि साहब, कैंडिडेट के बारे में, उसके आपराधिक रिकॉर्ड पे जाना एक चीज है, पैसा कहां से आया ये तो जानना उसके हक में नहीं है, उसको बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो इसका हक है उसके मुकाबले कमजोर है। सर जरा सोचिए, हम वोट किसको देते हैं,
हम कैंडिडेट को देते हैं लेकिन उसको उस पार्टी को भी वोट देते हैं जो सत्ता में आएगी। हमारे वोट से वो सत्ता बनाती है, हमारे वोट से वो 45 लाख करोड़ के बजट को हैंडल करती है, हमारे वोट से वो देश की सीमाओं की रक्षा होती है अगर वो कर सकती है। और हमें ये कहा जा रहा है कि साहब वो तो वो कैंडिडेट चुनता है ना, और उसका अपराधी अधिकार कैंडिडेट का मालूम होना अलग बात है, लेकिन ये अधिकार उसको नहीं हो सकता और ये फंडामेंटल राइट नहीं है उसका कि वो ये जाने कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया गया। अब देखिए बात में अंतर कहां है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चंदा इसलिए भी देती है कॉरपोरेट घराने कि सरकार ऐसी आए जो उसके प्रॉफिट को सुनिश्चित करे और उसका उसका लाभ सुनिश्चित हो और इकोनॉमिक वातावरण हो, ये उनका कहना है। मतलब आगे जो सरकार आए उसके लिए वो पैसा देता है। तो क्या जनता का ये अधिकार नहीं है कि वो जाने कि पीछे जो सरकार रही है वो कॉरपोरेट से जो चंदा ले लिया था उससे कैसे कैसे अपनी पॉलिसी उसके फेवर में बनाई, तभी तो वो वोट देगा ना, तभी तो उस पार्टी को समझेगा कि ये गलत है, ये किसी अडानी अंबानी के फेवर में पॉलिसी बना रही थी क्योंकि अडानी अंबानी ने पैसा दिया था। तो ये राइट उसका है कि नहीं जानने का। लेकिन सरकार पूरी अजीब से कुतर्क से आज ये कहती रही कि साहब ये राइट तो उसका नहीं हो सकता ना, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी, जो पैसा दे रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसने जनता की राइट टू नो को नीचे माना सरकार ने और ये कहा कि साहब ये कॉर्पोरेट का जो राइट है चंदा देके अपना नाम ना बताना, ये ज्यादा बड़ा राइट है। इस पे जाहिर है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हम देखें। अभी सरकार का फिर अहंकार देखिए, सरकार ने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ये जो बैठी है ये पावर 145 भारत के संविधान के आर्टिकल 145 के तहत बैठी है और सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट के पास, उन्होंने एक्चुअली उनका कहने का इवन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है, अगर कोई कानून है तो कानून को वो करे वो अलग बात है, लेकिन कोई भी नई चीज अगर कोई फ्रेमवर्क बन रहा है तो वो जनता के पास पहले जाना होता है, पार्लियामेंट में जाना होता है, आप सीधे उसके बारे में नहीं वो तय कर सकते। इस पे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम नया फ्रेमवर्क नहीं बना रहे हैं, हम जो आपने फ्रेमवर्क बनाया है उसको टेस्ट कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल टचस्टोन पे संविधान के पैरामीटर के तहत ये है कि नहीं। ये बात उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ ने इंटरवीन करके कहा। इसके अलावा अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आप जरा सोचिए किस तरह 3 दिन से आर्गुमेंट को भटकाने की कोशिश कर रही है सरकार। एक कानून लाती है, एक कानून में कहती है कि साहब इतना पारदर्शी बना दिया है कि अब पैसा तो आएगा, ब्लैक मनी तो आएगा ही नहीं, अब जो भी मनी आएगा वो कॉरपोरेट वो बैंक के थ्रू आएगा, इसको हमने बैंक के थ्रू रूट कर दिया है। बैंक कौन सा? सिर्फ एक बैंक, SBI। अब सरकार का ये कहना है कि सरकार ने ये कहा, जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा, जस्टिस खन्ना ने पूछा, एक बार जस्टिस गवई ने भी पूछा कि भाई ये ट्रांसपेरेंसी कैसे सुनिश्चित होगी, सरकार को तो ये मालूम चल जाएगा कि कौन से कॉरपोरेट ने दिया है। एक जगह ये भी कहा गया जो कि बड़ा वैलिड था, जिसको प्रशांत भूषण ने अपने रिज्वाइंडर में भी कहा, तो ये था कि साहब एक पॉलिटिकल पार्टी, ये बीजेपी है, बीजेपी को ये मालूम है कि हमें 100 करोड़ मिले हैं चुनावी बॉन्ड से, और ये तो सभी जानते हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो पैसे मिले हैं तो वो कॉरपोरेट घराना ऐसा तो है नहीं बताएगा नहीं चुपचाप से किसी मंदिर में दान कर रहा है, वो तो पैसा कम देगा, बताएगा ज्यादा, उसको एहसान लेगा। तो पॉलिटिकल पार्टी को ये मालूम है कि ये पैसा किस अडानी, किस अंबानी, किस टाटा से आया है, किस बिरला से आया है, ये बात उसको मालूम है। उसके बाद जब वो अपनी बैलेंस शीट देगा तो उसमें कॉर्पोरेट हाउस ये भी दिखाएगा कि कुल हमने चंदा कितना दिया है। मान लीजिए कि उसके बैलेंस शीट में 500 करोड़ दिखा है और बीजेपी को मिले हैं 100 करोड़,
तो बाकी तो काम अगले दिन बीजेपी कर देगी ना, उसके लोग तो बैठे हैं, बाकी काम तो ईडी इनकम टैक्स कर देगा कि 100 करोड़ दिया था बाकी 400 करोड़ कहाँ गए। तो उसका उसका खतरा तो उसको तब भी है क्योंकि बैलेंस शीट में वो दिखाना है कि आपने टोटल कितना दिया, किसको दिया ये नहीं बताना है, लेकिन कितना दिया है चंदा ये उसको दिखाना होगा। पॉलिटिकल पार्टी को ये मालूम है कि मुझे इतना मिला है, तो इसका मतलब बाकी 400 करोड़ इसने किसी और को दिए हैं, बस इतना तो काफी है। तो विक्टिमाइजेशन तो तभी हो जाएगा। ये बात जजेस ने पूछी और सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। अब हम आपसे कुछ बेसिक चीजें पूछते हैं। ये 3 दिन जो चला, कितना एक फोटा, कितना सिंपल सा ये केस है कि आपने एक कानून बनाया कॉर्पोरेट, ये कहा कि 20,000 तक का तो आप ले सकते हैं, 20,000 तक टैक्स एग्जेम्पशन होगा, 2,000 तक कोई भी राशि दे सकते हैं, लेकिन बड़ी राशि होगी तो वो बैंक के बॉन्ड्स के बेरर बॉन्ड। और ये बॉन्ड्स कैसे होंगे, एक ने खरीदा, दूसरे को पकड़ाया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, और इस तरह से वो बॉन्ड अंत में वो कहां गया, किसकी मनी थी, अगर वो चाहे तो वो गुमनाम कर सकता है, हालांकि वो गुमनाम नहीं करता है, वो तो बताता है, लेकिन वो अपना नाम अगर नहीं देना उसको तो बता देगा पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन प्रोसेस में ये ना आए तो वो किसी रामलाल के नाम पे खरीदेगा, श्याम लाल को पकड़ा देगा, श्याम लाल किसी और को पकड़ा देगा, ये सब वो कर सकता है ताकि उसका नाम उसमें बैलेंस शीट में न जाने पाए कि हमने इतना दिया था, ये भी पेच है इसके अंदर। अब आप सोचिए कि जनता को नहीं मालूम होगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को जो सत्ता में आ रही है हमारी गाड़ी कमाई का जीएसटी, हमारी गाड़ी कमाई का इनकम टैक्स लेके वो 45 लाख करोड़ के बजट पे बैठी हुई है और उसके एवज में जीतने के लिए किस कॉरपोरेट घराने ने कितना पैसा दिया है, ये जनता को नहीं मालूम चलेगा, जबकि जनता वो सरकार चुन रही है, जरा सोचिए, इसलिए नहीं मालूम चलेगा कि साहब कॉरपोरेट घराना तो पैसा ही नहीं देगा। कॉरपोरेट घराना पैसा इसलिए देता है कि वो किसी को पता ना लगे, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को पता लगे और उसको पता लगे। इसको सरकार 3 दिन से जस्टिफाई कर रही है। आप जरा सोचिए, आप वोटर हैं, आप पढ़े लिखे नागरिक हैं, आप चीजें समझते हैं, सिर्फ इतना ही आप इस पूरे केस में देख लीजिए कि जो वोटर है वो कभी नहीं जान पाएगा कि ये जो सरकार इतना बड़ा, ये जो सत्ता में बैठी सत्ताधारी पार्टी, और जानते हैं आप कि ये सारे पैसे सत्ताधारी दल को ही मिल रहे हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड खरीदते हैं, आप जानते हैं कि 94% बॉन्ड कॉरपोरेट हाउसेस ने ले रखे हैं क्योंकि 1 करोड़ के डिनोमिनेशंस में है, हायर डिनोमिनेशंस में है, तो कॉरपोरेट खरीदता है, ये पूरा फंड कॉरपोरेट खरीद रहा है। ये कहना कि साहब पहले, अब जरा सोचिए, आज सरकार ने ये कहा कि साहब ये तो 2005 से 2014 का रिकॉर्ड देखिए, कांग्रेस सत्ता में थी तो उसको मिलता था, मतलब ये है कि दोनों ने मिलकर मीर हमें तो डुबो दिया, कांग्रेस को मिलता था तो इस बात से बीजेपी कह रही तो हमको मिलता है तो क्या दिक्कत है। और अब कॉरपोरेट घराने को लीगलाइज करके कह रहे कि साहब देखिए इसमें ब्लैक मनी नहीं आ रही ना, अब व्हाइट मनी आ रही है। अरे वो व्हाइट को ब्लैक करने का तरीका, अब दूसरा क्या है जो सवाल लगातार सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पूछना चाहिए था, वो ये था कि भाई तुमने ये तो कर दिया ट्रांसपेरेंसी के लिए, बहुत अच्छा, अब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लेकिन जो वो कानून में FCRA के और कंपनीज एक्ट के बदलाव किया जिसके तहत कोई भी कंपनी घाटा हो तो भी चंदा दे सकती है, 1,000 करोड़ रुपए दे सकती है, घाटा हो तो भी शेल कंपनियां पैदा हो सकती हैं और शेल कंपनियों के जरिए, उसका क्या कानून बनाया है, कानून ये बनाया है कि कोई भी विदेशी कंपनी अगर यहां पे सब्सिडियरी रखी है तो वो चंदा दे सकती है। तो आपका अडानी पे अभी अभी तो मामला चल रहा है, अभी तो इंक्वायरी हो रही है, सेबी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट दिन रात उस पर लगी हुई है,
अडानी पे आरोप है कि साहब शेल कंपनियां इन्होंने बनाई और इन्फ्लेटेड बिलिंग करके इन्होंने भारत में बिजली के दाम बढ़ा दिए, क्योंकि कोयला बहुत महंगा 10 गुना महंगा बेच दिया, ये आरोप है। अडानी की सेल कंपनी यहां आ गई और इस एहसान के बदले, इस कानून में बदलाव के बदले, किसी अडानी ने आपको सारे बॉन्ड खरीद के दे दिए, हमारे वोटर को कभी नहीं पता चलेगा, क्या कहा जाए इसको, हमारा वोटर नहीं जानेगा कि कंपनी की पॉलिसी कानून कैसे बदलते हैं और किस तरह अंबानी पिछले 8 सालों में 6 से 16 पोर्ट्स उनके हो जाते हैं, पूरा जो हमारा कोस्ट लाइन है हर 500 किलोमीटर पे एक अडानी का पोर्ट है। कैसे किसान कानून आता है जिसमें कहा जाता है कि कॉरपोरेट हाउसेस किसानों से लेके काम करेंगे, ये सारी पॉलिसीज पे क्या हमें शक नहीं होगा कि किसी अडानी ने चुनाव में फंडिंग की है अपनी शेल कंपनियों के थ्रू, लेकिन ये बात पूरे चर्चा में नहीं आई, पूरे फसाने में नहीं आया, 3 दिन का फसाना चलता रहा लेकिन ये चर्चा में नहीं आया। आपको जागरूक होना होगा इन चीजों को, सुप्रीम कोर्ट में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चंस पूछे, आज सरकार सकते में थी लेकिन अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। लेकिन आपको ये सत्य जानना जरूरी है कि एक कानून बनाया जाता है और उसमें कॉरपोरेट फंडिंग को निर्बाध कर दिया, अनलिमिटेड कर दिया जाता है, 7.5% की सीमा थी, इसको क्या जाए खत्म करो, इसको जितना चाहे दे, तो प्रॉफिट नहीं होता बुक्स में, एक आना भी इनकम टैक्स से नहीं मिलता, लेकिन इसके बावजूद वो 100 करोड़ दान दे देती है। एक कंपनी ऐसी है जिसने जो कि लॉस मेकिंग है लेकिन उसने चुनाव में जबरदस्त करोड़ों सैकड़ों करोड़ में फंड दिया है, और ऐसी एक नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो उनका उद्देश्य क्या होगा, सरकार की पॉलिसी कैसी बन रही है, कम से कम पिछली बार का हम जान जाते कि पिछली बार 2017 में 2019 में जो सरकार बनी उसका चंदा कितना किस कॉर्पोरेट मिला और क्या क्या नीति में परिवर्तन हुआ, तो कम से कम 24 में हम वोट तो उसको नहीं देते कि आपने हमारे पैसे से हमारे भविष्य से खिलवाड़ किया है, अडानी को पोर्ट देके और बाकी चीजें देके आप इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बेच के, तो कम से कम हम अपनी ओपिनियन तो बनाते। लेकिन ये सीक्रेसी किस तरह सरकार खड़ी है कि सिटीजन का आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट का बहुत ही मकबूल आर्टिकल है, पवित्र आर्टिकल है, कि सिटीजन को सरकार के बारे में जानना चाहिए, तो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानना चाहिए कि कितना किसने फंड लिया, लेकिन इसको कहा जा रहा है कि साहब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये तो जनता का थोड़ी है, क्योंकि उसकी कौन कॉर्पोरेट हाउस की, जबकि कॉर्पोरेट के पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट एवरी सिटीजन के लिए होता है, कॉर्पोरेट के लिए नहीं होता, हम 2 मिनट के लिए मान भी ले तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट के लिए पैसे लगा रहा है और उसके एवज में पॉलिसी बदलवा रहा है, ये आज ये तो खुद ही लोग मान रहे कि साहब कांग्रेस के भी जमाने में होता था, उसके पहले भी होता था, आजादी से चला आ रहा है जब से झूला हो रहे, तो जब आप ये मानते हैं तो इसको दूर करने की कोशिश क्यों नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट का सवाल तो यही होना चाहिए, लेकिन कहा जा रहा वो तो साहब राम राज्य वाली कल्पना है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जितना हो सका हम लोग कर रहे हो तो कर क्या रहे हैं, मोदी सरकार ने आके कॉरपोरेट की गोपनीयता बरकरार रहे इसके लिए हमारा जो राइट है चीजों को जानने का उसको उसने ब्लॉक कर दिया इस कानून के तहत। अब हकीकत आप देखें, आप समझें, 2024 आ रहा है, देखें कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आता है। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पर फिर आपके पास आएंगे, तब तक के लिए